हे दालावीज, हाउ आर यू ऑल। तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला है आप लोगों को। यू नो, आप लोग के कमेंट्स रीड करती हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही कमेंट करते हैं, अरे ये सब कुछ नहीं होता, मैं तो इतना सब ट्राई करती हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे लिए काम ही नहीं करता। तो आज मैं आपको इतनी सीक्रेट चीज़ बताने वाली हूँ आपकी लाइफ की, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आपके लाइफ में क्या आने वाला है ये भी भगवान डिसाइड करते हैं, और जो चीज़ें लाइफ में ख़राब हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेडली गंदी हो जाती हैं, जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, वो चीज़ें भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये रिचुअल सिर्फ 5 मिनट लेता है आपके पूरे दिन के, और आपकी लाइफ को मिराकुलस चेंज देता है। मैं इस रिचुअल को हर रोज़ करती हूँ, पिछले 3 सालों से करती हुई आ रही हूँ, और मुझे पता है मेरी बहुत प्यारी लवीज आर्मी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी इसको करते हैं। अगर आप करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम समझते हैं इस रिचुअल को कैसे करते हैं और आज से करना शुरू कर देते हैं। तो ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो अभी आपकी लाइफ में हो रहा है मैं डायरेक्ट उसी बारे में बात करूंगी। हो सकता है आप अभी अपनी करंट लाइफ में मनी इश्यूज फेस कर रहे होंगे, कोई लव इश्यू फेस कर रहा होगा, कोई फैमिली के इश्यूज फेस कर रहा है, कोई अपने बिजनेस से परेशान है, कोई अपनी हेल्थ से परेशान है। मतलब एक इंसान की लाइफ में ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो वो फेस करता है, और वो जेन्युइन सी बात है क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ये होता है। जब आप इस प्रेयर को करना स्टार्ट कर दोगे, आपके कर्मास हील होने लग जाएंगे, जो गलत चीज़ें एकदम से हो जाती हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती वो भी हो जाती हैं, धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें भी हील होने लग जाएगी। सेकेंड चीज़, इसका पीरियड से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप इसको पीरियड्स में भी कर सकते हो। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके पूजा पाठ में भी मदद करती है, साथ ही साथ आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ तक करने का मौका देती है। वो सारी चीजें लेकर आती है ये आपकी लाइफ में जो आप डिजर्व करते हो और जो आपके लिए द बेस्ट होता है। ये जेन्युइन सी बात है, इश्यूज तो खत्म होने वाले नहीं है लाइफ में। अगर कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है, और वो लाइफ का पार्ट है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज हम जरूर कर सकते हैं, दैट इज जो चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं, हम उनको कहीं हद तक वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस प्रेयर को। आप इसे अपनी खुद की भाषा में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, बंगाली में, मराठी में, उर्दू में, जिस भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं आप उनका नाम लेके भी कर सकते हैं। लेकिन अब तरीका सीख लीजिए कैसे करना है। वैसे बेस्ट टाइम इस रिचुअल को करने का होता है जब आप रात को सोते हो, उसके पहले आपको इसको करना चाहिए। लेकिन आप जिस टाइम में कंफर्टेबल हो, मैं तो कहती हूँ उस टाइम पे करो, क्योंकि समय नहीं देखना चाहिए, एफर्ट्स लगाना, यू नो, चीज़ें करना आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब इस प्रेयर को करोगे तो अपने ईष्ट देव, अपने भगवान का नाम लेंगे, लाइक जो भी आपके भगवान जी हैं। मेरे प्यारे भगवान जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो जाने ना जाने में, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप इसमें यूनिवर्स का नाम भी ले सकते हैं, भोले बाबा का, यू नो, देवी जी का, श्री कृष्ण भगवान जी का, जिस भगवान का नाम आप लेना चाहें आप उनका नाम लेंगे और ये चीज़ उनको बोलेंगे कि मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, मेरे पुराने जन्मों में, यू नो, मुझसे कोई गलती हो गई हो। क्योंकि कर्मास तो ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ चलती है, और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसी हमारी ज़िंदगी बन जाती है। तो ये सब कुछ एक, यू नो, लाइफ में कर्म का ही फैक्ट होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सब कुछ उसी की वजह से हो रही हैं। तो आपको बस चीज़ बोलना है नॉर्मली, मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझे माफ़ करिए, मेरी लाइफ में नई खुशियाँ, नई अपॉर्चुनिटीज़, जो चीज़ आप चाहते हो, नई नौकरी, नया लव, जो चीज़ आप चाहते हो वो लेकर आइए, और मेरी पुरानी गलतियों को मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको इसको रोज़ बोलना है, रोज़ रात को सोने से पहले। फिर उसके बाद आप प्रेयर बोलेंगे, प्रेयर में सिर्फ 4 सेंटेंस बोलते हैं, लाइक आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई लव यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब ये 4 सेंटेंस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इसको आपको बार बार दोहराना है, बार बार इसको बोलना है। और 5 मिनट बोल सकते हैं, 10 मिनट बोल सकते हैं, सिर्फ 5 बार बोल सकते हैं अगर आप ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। अब जैसे जैसे इस प्रेयर को करने लग जाओगे, आपकी लाइफ में नई चीज़ें आने लग जाएंगी। जो चीज़ें खराब हैं अभी, वो चीज़ें सही होने लग जाएंगी। कैसे सही होने लग जाएगी, अब बात ये आ जाती है, ये जो प्रेयर होती है ये हमारे कर्मास को हील करने के लिए, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं उनको हटाने के लिए करी जाती है, उनको सही करने के लिए करी जाती है। जैसे जैसे आपके कर्मास हील होते जाएंगे, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आप दिल से चाहते हो। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी इसको 7 दिन करो, इसको 8 दिन करो, इसको तो रोज़ करो, क्योंकि ये कब आपको आपकी लाइफ में मिराकल दिखा दे आपको पता नहीं चलेगा। इवन मेरी अभी रिसेंट में एक सब्सक्राइबर है, शी इज़ राइटिंग दिस, यू नो, वो रोज़ ये प्रेयर को लिखती हैं, उनकी लाइफ में इतने मैजिकल चेंजेस आ गए कि मैं आपको क्या बताऊँ।
अब सब बोलेंगे क्या हम भी इस प्रेयर को लिख सकते हैं? लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो बोल के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस प्रेयर को बोलेंगे, इस प्रेयर को करेंगे, जो इंसान अनहेल्दी है धीरे धीरे उसकी हेल्थ ठीक होने लग जाएगी, जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसा है, मनी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। ये प्रेयर इतनी मैजिकल प्रेयर होती है, हवाइन प्रेयर होती है, जो हमारे सारे बुरे कर्मों को हील करती है और हमारी ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेकर आती है। मात्र 5 मिनट लूंगी इस प्रेयर को करने के लिए, 5 मिनट लगेंगे, आप प्लीज इसको करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता जब आप ये प्रेयर करने लग जाओगे कौन सा मिराकल आपकी लाइफ में आ जाएगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताती हूँ कि इस प्रेयर का उससे क्या रिलेशन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इससे बहुत 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 गहरा संबंध है, क्योंकि जब आप इस प्रेयर को करते हो, जो नेगेटिविटी आप अपनी मैनिफेस्टेशन पर डालते हो वो हटने लग जाती है। आप जिस चीज़ को लेके मैनिफेस्टेशन दिल से चाहते हो वो आपके पास दौड़ी चली आती है। तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन इस प्रेयर के थ्रू करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। होपफुली मैं बहुत जल्दी आपके लिए वाला वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन की नेगेटिविटी हटा के इस प्रेयर से हर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब अभी बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। राधे राधे।